दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पे। और अगर बात करते हैं, मैंने एक दिन पहले वीडियो बनाया था जिसमें बताया था Binance टू सेल 529 मिलियन ऑफ बैंकमेंट फ्रेंड्स FTT टोकन। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस वीडियो में ये भी बताया कि अगर आप चाहें तो इस FTT टोकन को सेल कर सकते हैं। अभी $22 चल रहा है और यहाँ से आपको अच्छा खासा बेनिफिट्स मिल सकता है। जिन्होंने बात मानी, जिन्होंने इसके मेरे ऊपर ट्रस्ट किया, उनका समथिंग बल्ले बल्ले हैं। और उनकी लगभग आज की डेट में करंट प्राइस की बात करते हैं तो 73% लो है मार्केट से, और ऑल टाइम लो यानी कि $2.5 के आसपास था, जो समथिंग कोइन मार्केट कैप के ऊपर यहाँ पे ऑल टाइम लो $3 यहाँ पे बता रहा है। परंतु ऑल टाइम लो हकीकत में बताए तो $2.5 के आसपास गया है और अभी हाल में करंट प्राइस $4, यानी कि जब मैंने यहाँ पे वीडियो में बताया तो $22 था और यहाँ पे करंट प्राइस यहाँ पे हो गया $4.5, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ से 9.18 चार से पाँच गुना आपका पैसा कम हो गया। $100 का $25 हो गया, और $25 अगर $3.5 के आसपास ये कॉइन गया था तो $25 ने उसका तो $15 के आसपास बचा है। ठीक है, तो ये चेक कर सकते हैं भाई। कोई भी अगर आपको ट्रस्ट हैं तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज की डेट में FTX टोकन की प्राइस की अगर बात करते हैं तो इसकी जो प्राइस है आने वाले दिनों में कुछ और डंप आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि Binance ने क्लियर कर दिया भाई हम इसका टोकन जो है सेल करेंगे। और मार्केट के अंदर कुछ इसके ऊपर नेगेटिव प्रभाव हुआ और उस हिसाब से इसकी प्राइस डंप हुई। दूसरा जो प्राइस डंप होने का कारण है कि बिटकॉइन जो था वो लगभग मान के चलिए कि यहाँ पे दूसरा जो पंप होने का कारण था वो था कल की डेट का, यानी कि कल 8:30 बजे यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कितने बजे पंप हुआ। 8:30 बजे के आसपास लगभग मान के चलिए 8:30 बजे जो इनका IBT टिप इकोनॉमी ऑप्टिमेशन जो इनका न्यूज़ है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ये न्यूज़ था लेवल ऑफ कुछ बेस सर्विस कस्टमर्स, और यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं। जो भी इनका न्यूज़ था ये था। और दूसरा जो न्यूज़ था यहाँ पे अगर बात करते हैं कि जो स्मॉल बिजनेस इंडेक्स हो गया, ये जो दूसरा न्यूज़ था ये था, जो भी आप कोई ये भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस वजह से इसमें जो पंप और डंप था जो काफ़ी ज़्यादा $1,000 के आसपास यहाँ पे वो यहाँ पे ये हुआ था, उसमें डॉलर जो था वन टाइम मजबूत हुआ, उसके बाद में डॉलर पूरे की तरह से यहाँ पे टूट गया। ठीक है, डॉलर टूटने के बाद में डॉलर वापस मजबूत हुआ और बिटकॉइन यहाँ से वापस गिरा। ठीक है, तो इसका एक रीज़न है कि बिटकॉइन भी लगभग बांध के चलो $21,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और $21,000 से आज की डेट में $17,000 के आसपास घूम रहा है। यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ $17,000 के आसपास घूम रहा है, तो $17,000 यानी कि $3,000 से $4,000 बिटकॉइन टूट गया और इसी वजह से इसकी प्राइस में और ज़्यादा इफेक्ट हुआ। प्लस बाइनेंस की वजह से इफेक्ट हुआ। दूसरा कि यहाँ पे बाइनेंस एंड कुछ न्यूज़ की वजह से उसकी वजह से यहाँ पे इफेक्ट हुआ। अगर बात करते हैं करंट प्राइस की तो 7 दिन के अंदर यानी कि 24 आवर्स के अंदर बिटकॉइन टूटा है 9.5% के आसपास। अगर इथेरियम की बात करते हैं तो 18% के आसपास टूटा, और यहाँ पे अगर BNB की बात करते हैं 24 आवर्स के अंदर 8% के आसपास बिटकॉइन में BNB में गिरावट आई है। XRP 15% और कार्डानो 7.69%, डोगी कॉइन भी यहाँ पे लगभग मान के चलिए 17% के आसपास गिर चुका है। ठीक है, तो मार्केट में अगर बात करते हैं तो बहुत बुरी तरह से यहाँ पे गिर चुका है मार्केट। और सोलाना और सोल की बात करते तो ये बुरी तरह से यहाँ पे गिर चुका है, लगभग 24 आवर्स के अंदर 34% के आसपास गिरावट इसमें देखने के लिए मिली है। ठीक है, तो आज देखते हैं, आज और भी न्यूज़ है वो आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। और भी न्यूज़ है, अगर आज भी अगर कुछ अच्छा होता है तो पंप होगा या फिर यहाँ पे डंप होगा वो बता नहीं सकते हैं, परंतु आज हैं CPI MM, उसकी वजह से यहाँ पे आपको पंप या फिर और भी डंप देखने के लिए मिल सकता है, तो बचिएगा। थैंक यू सो मच, आपकी ट्रेड है। अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको आज लगभग 7 बजे से पहले आपकी ट्रेड है वो क्लोज़ कर लीजिए, क्योंकि आज भी यहाँ पे पंप और डंप देखने के लिए आपको मिल सकता है लगभग 9 बजे तक। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।